चमोली जिले के गोपेश्वर में 3 दिवसीय आयुष कामीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने नेशनल आयुष मिशन के तहत किया गया। शिविर में डिजिटल नाड़ी परीक्षण, मर्म चिकित्सा, लीप थेरेपी और अग्निकर्म चिकित्सा के माध्यम से मरीजों का उपचार किया गया। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के रतुड़ी ने बताया कि शिविर में 1500 से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार कर दवाइयां दी गई। भारत सरकार और आयुष मंत्रालय उत्तराखंड शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड के सभी जनपदों के जनपद मुख्यालयों में नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत 3 दिवसीय बृहद आयुष कामीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनता का अपार उत्साह देखने को मिला। इसमें आयुष की विभिन्न विधाओं के माध्यम से और विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा आम जनमानस को आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ दिया गया। इसमें होम्योपैथी का भी सहयोग लिया गया और आयुष की विशेष पद्धतियां जैसे पंचकर्म चिकित्सा है, नाड़ी परीक्षा है, प्रकृति परीक्षण है, जो इसके साथ ही हम जो है अग्निकर्म है, क्षार चिकित्सा है, इस आदि चिकित्सा के माध्यम से और तथा साथ में योग के माध्यम से योग के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर शिविर में लाभ लेने वाले मरीजों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मैं यहाँ पर अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराने आई थी और मुझे दवाई मिली और मैं इसके स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ से आयुर्वेदिक चेकअप और दवाई लेके जा रही हूँ।